हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीवी डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम ट्रिम कमांड के बारे में बात करने वाले हैं, जो जिसका यूज ऑटोकैड में सबसे ज्यादा, चाहे आप 2D ड्राइंग बनाते हो चाहे 3D में आप मॉडलिंग करते हो, उसमें आपको ट्रिम कमांड का यूज आना ही आना है। तो इसके बारे में, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं, प्रत्येक ऑप्शन के बारे में आज हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं, डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आपने हमारे ट्यूटोरियल नंबर 1 से 15 तक ऑटोकैड के नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके प्रत्येक वीडियो को वॉच कर सकते हैं गाइस और लर्न कर सकते हैं ऑटोकैड को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से जो ये मॉडिफाई टूल बार है, इधर आपका डाटा टूल बार होता है, तो मॉडिफाई टूल बार में आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रिम और कमांड मिल जाएगा। नेक्स्ट है मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिम कमांड का ऑप्शन मिलता है गाइस। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका TR शॉर्टकट की है, इसका TR डबल एंटर कर देंगे, TR डबल एंटर, तो आप कोई भी दो क्रॉसिंग को ट्रिम कर सकते हैं। जैसे इसको ट्रिम करना हो तो इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं, इसको ट्रिम करना हो तो इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है अगर हमें इस तरह से ये वाली लाइन यहां तक अगर हमें या यहां तक हमें ट्रिम करनी होगी, तो अगर सिंपल हम करेंगे TR डबल एंटर करके, तो इसमें हमें काफी टाइम लगेगा यहां तक ट्रिम करने में। लेकिन एक ऑप्शन हम आपको दे बता रहे हैं, जैसे आपने TR वन टाइम एंटर किया और आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे हमें अगर यहां तक डिलीट करना है, तो यहां तक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर कर दिया, और उसी जिस भी लाइन को आप वहां तक क्लियर करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, उसको सिंपली क्लिक कर देना होता है, तो वो आपकी वहां तक इरेज हो जाएगी। इसमें आप एक बार में मल्टीपल लाइन आप इरेज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है गाइस। इस तरह से आप इधर, अगर इधर का है तो इधर का सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक साथ अगर हमें इरेज करना होगा तो हमें TR एंटर करनी है। अब हमें इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, इधर से हमें अगर यहाँ तक इरेज करनी है तो इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, देन एंटर कर देंगे और इनको सबको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा पूरा यहाँ से हो जाएगा इरेज। इस तरह से गाइस बहुत इजीली हम इरेज कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस को। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फेंस। फेंस में क्या होता है गाइस, यहाँ से TR डबल एंटर करके फेंस में जाते हैं। फेंस में क्या होता है कि एक हमें लाइन चाहिए होता है, जिस लाइन को हम जहां पर भी ले जाएंगे, वो उसके बीच का जितना भी ऑप्शन होता है, जहां से भी वो क्रेस करती होगी लाइन, वहां का इरेज कर देता है। तो हम इसमें फेंस के लिए F एंटर करेंगे, अब एक लाइन हमें मिलती है। अब हम इस लाइन को जहां जहां से भी गुजारेंगे, वो वहां तक के सारी लाइन्स इरेज कर देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस, ये आपका फेंस का हो गया काम। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रॉसिंग का। तो क्रॉसिंग में गाइस वही जो हमने अभी फर्स्ट टाइम यूज किया था, क्रॉसिंग के लिए सी एंटर करना होगा, और जितना भी आपका ये दो या एक के बीच में या साइड वाला ये वाला ऑप्शन होता है, इसको इरेज करने का काम आता है। डायरेक्ट हम वो TR डबल एंटर करके इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है प्रोजेक्ट का गाइस। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो आप 3D में बनाते हैं, तो 3D में कुछ फेस वगैरह दिए जाते हैं, तो उन फेस में जो भी हमें लाइंस रहती है और उनको डिलीट करना रहता है, तो वो एक हमारा पूरा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। उस पे जो हम करने वाले होते हैं, डिलीट करने वाले होते हैं, ट्रिम करने वाले होते हैं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट में हम ट्रिम कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट कमांड हमें यूज में आता है। नेक्स्ट है, इसको अगर हम आज ट्रिम करके देखें, इस तरह से इसको रख लेते हैं। अब इसको अगर हमें ट्रिम करना होगा तो TR डबल एंटर करेंगे, इस तरह से हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन इसी को हमें अगर प्रोजेक्ट भी में अगर ट्रिम करना हो जो 3D में होगा,
अब जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, ये अगर हम इसको रियलिस्टिक वे में देखें तो आपका ये 3D में लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 3D में ही क्रिएट किया गया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं XYZ तीन डायरेक्शन दी गई है इसमें UCS में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप TR डबल एंटर करेंगे, देन प्रोजेक्ट के लिए P एंटर करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखे होंगे, नन है, UCS है, व्यू है। तो तीन तरह से इसके किसी भी पार्ट को आप इरेज कर सकते हैं। तो हम अगर नन ले लेंगे तो N एंटर करेंगे, देन आप किसी भी पार्ट को इजिली इससे इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका TR डबल एंटर, प्रोजेक्ट के लिए P एंटर, UCS। UCS क्या है? UCS जहां जिस भी आप फेस पे रखेंगे उसी फेस का ट्रिम करेगा। अब जैसे UCS अगर यहाँ पे है और हम ये हमारा फेस शो कर रहा है XY डायरेक्शन, मतलब ये ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। अगर हमें इसका ट्रिम करना हो तो इस ये ट्रिम नहीं करेगा। UCS के लिए U में जाएंगे। अब इसको अगर ट्रिम करना चाहें तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाला लाइन ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को हम अगर UCS को इस पे लाकर लगा दें, उसके बाद देख सकते हैं आप किस तरह से ट्रिम होगा। यहाँ पे लाए, बाई को ऊपर पहुंचाए, ठीक है। अब ये इसकी डायरेक्शन में XY के हो गया। अब यहाँ से हम अगर TR डबल इंटर करके प्रोजेक्ट में जाके P इंटर, UCS में जाके U इंटर करके अगर इसको हम ट्रिम करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको ट्रिम, किसी भी पार्ट को ट्रिम कर सकते हैं इसके। पहले गाइस ये लाइन हमारी ट्रिम नहीं हो रही थी, अब हम इसको ट्रिम कर सकते हैं इजिली। तो यही चीज है गाइस। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन मिलता है उसको पुनः टॉप व्यू में ले लेते हैं। टॉप व्यू आ गया हमारा, इसके बाद TR डबल इंटर करके हमारा एज आ गया। एज में क्या होता है गाइस, जैसे हमने एक लाइन ले लिया, ये लाइन हो गया मेरा, एक लाइन ए हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि अगर ये वाला लाइन हमारी इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ तक एरेज हो जाए तो कैसा लगेगा। उसके लिए हमें यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ तक करनी पड़ेगी, तब क्रॉसिंग में डिलीट होगा, वो एरेज होगा या ट्रिम होगा, ठीक है। बट सुनो, इसको सिंपली क्या कर रहा है, TR डबल एंटर करना है, देन एज के लिए ई एंटर करना है, ई एंटर। इसके बाद दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्सटेंड और नो एक्सटेंड। तो हमें एक्सटेंड के लिए ई इंटर करेगी, ई इंटर हो गया। अब एक्सटेंड ये आपको दिखेगा कि नहीं है कि ये एक्सटेंड हो रहा है, बट ये वाली लाइन जहां तक एक्सटेंड हो जाएगी वहां तक आपकी डिलीट हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं, इसको सिंपली मिटा सकते हैं। अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करके देखें, इसको एक्सटेंड करके देखें इस तरह से, तो आप बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा, TR डबल एंटर। अब आ गए एरेज पे। एरेज कमांड इजिली आपने देखा ही होगा, जितना भी एरेज करना हो, एरेज के लिए R एंटर करेंगे, जितना भी हमें चाहिए उतना हम एरेज सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर मार देंगे, वो हमारा एरेज हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अंडू के लिए आपको पता ही होगा, अंडू के लिए यू एंटर करेंगे तो हम वापस बैक मेन्यू में पहुंच जाएंगे। अंडू के लिए आप शॉर्टकट की है Ctrl+Z, जितने भी हमने अभी बैक किया है Ctrl+Z करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए रीडू करने के लिए Ctrl+Y करते हैं गाइस। तो ये शॉर्टकट की आपको आई थिंक पता जानकारी मिली होगी, तो आपको काफी अच्छा वीडियो लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना पूरा वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।